दिल्ली के जंतर मंतर में संशोधित नियम के खिलाफ दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में बस, ट्रक, ऑटो, टेम्पो, टैक्सी से जुड़ी करीब 42 यूनियन ने भाग लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ट्रांसपोर्टर्स इंश्योरेंस पॉलिसी और जुर्माने की भारी रकम भरकर फीस को वापस लेने की मांग की। के खिलाफ दिल्ली में करीब 42 जो एसोसिएशन है ट्रांसपोर्ट के, वो इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पर। देख सकते हैं कि ऑटो, टैक्सी, इसके अलावा टेम्पो, बस, ट्रक, उससे जुड़े तमाम जो संगठन हैं, सभी संगठन इकट्ठा हुए हैं और देख सकते हैं मांगे किस तरह की। इनकम टैक्स में 44A वापस लो, एक्सीडेंट क्लेम में पूरी राशि की देनदारी इंश्योरेंस की हो, इंश्योरेंस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस और RTO को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं, जो जुर्माने में तर्कहीन वृद्धि की गई है उसकी बात कर रहे हैं, ड्राइवर एवं उसके परिवारों की सुरक्षा बीमा योजना लागू करने की बात कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पर लोगों ने सबने हाथ में बिल बोर्ड ले रखे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों का विरोध किया जा रहा है। तमाम लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को जो अपने स्तर पर काम करने चाहिए थे वो नहीं किए, और केंद्र सरकार ने जो संशोधित परिवहन नीति लागू की है उससे भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर सकते में है। कुल मिलाकर देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में जो दिल्ली NCR के ट्रांसपोर्टर्स हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आज वो मांग रखने के लिए यहाँ पर आए हैं, मांग रखेंगे और मेमोरेंडम भी दिया जाएगा सरकारों को, लेकिन अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो फिर 19 तारीख को पूरे दिल्ली NCR में, और यहाँ भी ये भी आह्वान किया है, पूरे देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। जंतर मंतर से कैमरा मनोज कोहली के साथ मैं विश्वजीत झा।